जी जी मुकु लगे कि ये थर्ड एंड फोर्थ है ना वो कॉम्बिनेशन में है, तो खाली थर्ड में इतना ही दिया है कि असंग शस्त्र से छेद के, बस यहाँ पे वो श्लोक कंप्लीट हो जावे, बाद में फोर्थ श्लोक स्टार्ट हुए वहां सु, तो थर्ड एंड फोर्थ साथ में ही कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे डिस्कशन हुए वैसे मुकु लगे। मतलब मैं समझे नहीं। जी जी ये जो टू फर्स्ट टू एंड हाफ श्लोक है वहाँ में जगत को विवरण दियो है, एंड लास्ट जो कड़ी है वहाँ में ऐसो दियो है कि असंग शस्त्र से छेद के, बस इतनो ही वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, बाकी को आगे को डिस्क्रिप्शन फोर्थ श्लोक में है कि शस्त्र को छेद के क्या करनो है वो फोर्थ श्लोक में दियो गया है। तो वो मेरो ही श्लोक है तो साथ कर ले, साथ दिल हो जाए। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तित भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। मतलब या में आगे जैसे मितुल भाई ने कही कि जो असंग शस्त्र से छेद के, वहाँ पे श्लोक में ऐसे ही दियो है कि छेद के वहाँ पे जो जावे हैं वो वापिस नहीं आवे हैं और वो शोधनो है, तो वो कैसे शोध पाएंगे, तो वहाँ में लिखे है कि पुरुष मा जे आद्य पुरुष माथी पुराणी प्रवृत्ति प्रसलेली छे तेने हूँ शरणे जाऊँ छू, ऐसे अपन प्रभु की भक्त शरण से भक्ति करेंगे तो वो जहाँ पे गए हैं वहाँ में लिखे है कहाँ गए हैं, तो अक्षर ब्रह्म रूप भगवत धाम है वहाँ पे जो लोग गए हैं ये असंग शस्त्र से छेद के वो वापिस नहीं आवे है, तो फोर्थ श्लोक और थर्ड श्लोक को मिला के टोटालिटी में ऐसो कहो जा रहे है कि लोगों को जो कर्म से बंधित लोग है उन लोगों को असंग शस्त्र से छेद के प्रभु को जो धाम है वहाँ में पहुँचने के लिए शरण मार्ग की जो भक्ति है उसको फॉलो करके वहाँ पे जा सके हैं, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पे रह जाते हैं, वापिस नहीं आ रहे। मुझे लगे हमें दो बात अपन दोनों श्लोकन को क्लब करके देख रहे हैं, तो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट या में ये है कि एक जगह श्लोक में ये कह रहे हैं कि सुविरूढ़ मूलम है, और दूसरे बाजू ये कह रहे हैं कि असंग शस्त्र सुवा को छेदन करना है। तो वृक्ष को छेदन नहीं करना है, वृक्ष के प्रति संग को छेदन करना है। वृक्ष को छेदन एक अलग बात है और वृक्ष के प्रति संग को छेदन बहुत एक अलग बात है। अभी कल ही मैंने एक बहुत अच्छी पुस्तक खरीदी और बहुत बड़े कलाकार शिव कुमार शर्मा संतूर बजा में, तो उनने अपना एक अनुभव लिखो कि यूरोप में वो कहीं संतूर बजाने गए, वो जब भी अपन कोई भी म्यूजिक सुनने जाएं हर वक्त अपनी एक बैड हैबिट हो गए कि अपन को गाना को मीनिंग समझ में नहीं आता है तो अपने को संगीत अच्छा नहीं लगे। अपन या तरीके को एक अपनी जिद लेके ग्रज लेके जाते हुए कि जो गा रहे हो है शब्द वाको मीनिंग अपने को समझ में आना चाहिए। प्राइमा फेसी वो भी समझ में आता नहीं हुए हार्डली लोगों को, मैं तो कई वक्त ट्राई करके देखे हुए उनको जब मीनिंग समझाएं भाई गाना को मीनिंग ये है तब उनको समझ में आवे। जाको सबसे बड़ो उदाहरण रूना लेला को तो दमादम मस्त कलंदर, वो भजन है तो और वो ऐसे छट्टा सु गाती थी कि सब समझते थे कि दमादम मस्त कलंदर वो अलीदा पहला नंबर की बात थी। ये जो बार में जाके दमादम मस्त कलंदर हुए वो नहीं है तो, पर कुछ शब्द समझ में आ जाए तो वहां में लोग गाने लग जाए, तो गाना भी पूरा समझ में कौन को आते हुए तो
तो उनने बहुत अच्छी एक बहुत रिमार्केबल बात कही कि जब वो कह रहे थे कि हमको समझ कैसे आ गई है, तो उनने इतनी अच्छी बात कही कि तुम ये झगड़ा क्यों रखो कि मन समझना है, एंजॉय क्यों नहीं कर सको। मैंने ढोकला को खाना है वह में पहले समझना है कि खा के स्वाद लेना है। अपन कह नहीं पहले समझाओ कि राई कितनी पड़ी, हींग कितनी पड़ी, हल्दी कितनी, समझना है कि वहां स्वाद लेना है। अपन को क्या है? याद तरीके की प्रेजुडाइस डेवलप हो जाए कि पहले समझाओ तब हम मजा ले सके। मन में एक फितूर घुस जाए समझवे की। तो उनने वहां यूरोप के ऑडियंस को कही कि तुम एक काम करो, मैं बजा रहे हूं तुम्हारे सामने, मेरे नोट्स नोटेशन क्या है, मेरी रिदम क्या है, जस्ट फॉरगेट असंग शास्त्र दृढ़ न चित्वा, क्लोज योर आई एंड लिसन एंड टेल मी व्हाट यू फील। और वाके बाद उनने ऑडियंस को रिस्पॉन्स बताया कि वी फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी। क्योंकि जब अपन अर्थ नहीं जानना चाह रहे हैं तो अपन ने अर्थ वासना छोड़ दी, तो अपन शुद्ध आनंद ले सकेंगे। जब अपन अर्थ वासना से कोई सुन रहे हैं कि पहले अर्थ समझाओ, पहले अर्थ समझाओ, अर्थ समझ के कितना अर्थ समझ में आएगा? मेरी बात समझ आई ना? अब उनको पूड़ी तल के खावे के दिए, उन्होंने कि ये तो समझ गए, हमें हवा कैसे भरी पहले ये समझो। अरे पूरी तुम्हारे यहां पूरी बनी नहीं, पूरी को तली तो फूल गई पूरी। अब प्रॉब्लम खाने के पहले ये पैदा हो गई कि हमें हवा कैसे भरी ये बताओ, वो समझाओ तब फिर खावे। उतनी देर में तो पूरी ठंडी हो जाएगी और स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। तो एक वक्त खा जाओ पूरी, समझने को प्रयास बाद में करियो। तो वो क्या है कि वो अर्थ की जो वासना है अपने को समझने की, वाके कारण बहुत सारी चीजें को अपन एप्रिशिएशन करने में चूक जाते हुए हैं। प्रायः जो मॉडर्न आर्ट या क्लासिकल म्यूजिक को जो एप्रिशिएट नहीं कर पावे, वहां में यही ग्रज काम करती हो कि अर्थ समझाओ क्या है, अर्थ कैसे समझ में आए। वो मेरे पीछे कोई ऐसा पड़ा है ना बहुत आदमी, तो मैं आपको पहले तुम हो, तुम्हारे होने को अर्थ क्या है मुझको समझा, वाके बात तक तेरे दुनिया में होने को अर्थ क्या है, आर यू श्योर ऑफ योर ओन मीनिंग ऑफ योर ओन बींग? वो तो तुमको पता नहीं है। तुम आर्ट को मीनिंग पूछ रहे हो, म्यूजिक को मीनिंग पूछ रहे हो, या को मीनिंग पूछ रहे हो, वा को मीनिंग, सेवा को मीनिंग पूछ रहे हो। अरे भाई तुम्हारे होने को मीनिंग तो पहले समझा दो ना, वो तो कोई को भी नहीं पता है। तो ये क्या है कि वासना के कारण अपने को बहुत सारी बातों को एंजॉय करने में जेन्युइन डिफिकल्टी आ जाती हुए है। और वालिए ये गीता में यहां कह रहे हैं कि या वृक्ष को काटना नहीं है हो, ये तो सुविरूढ़ मूल है, या कि जड़ इतनी गहरी पहुंची गई है कि हजार वक्त काटोगे तो हजार वक्त उगेगो, जस्ट फॉरगेट, फॉरगेट करो तो तुमको पत्तान को आकर्षण खत्म होके मूल समझ में आएगा। गालिब ने एक बहुत अच्छा शेर कहो है। गालिब कहे के ये पत्तान की और फूलन की दादागिरी पेड़ पे इतनी ज्यादा है कि लोग जान ही नहीं सके कि पेड़ को महत्व क्या है। करिश्मा कौन को है, पत्ता और पेड़ को है कि जड़ को है? जो भी कोई फूल को करिश्मा है, जो भी कोई फ्लावर को करिश्मा है, जो भी कोई फ्रूट को करिश्मा है, वो करिश्मा कौन को है? पेड़ को करिश्मा है। तो वह में अपनी निगाह इतनी उलझ जाए है कि अपने को फल तो दिखे है, फूल तो दिखे है, पेड़ पे ध्यान नहीं जाए। यहां जो बात समझाई जा रही है, असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, थोड़ी देर